सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम काला मांजन से लगे जंगल में सोमवार की सुबह 6 बजे 3 ग्रामीण युवा लकड़ी लेने गए थे। गांव की सीमा से करीब 300 मीटर दूर जंगल में पहले से मौजूद बाघ ने तीनों युवकों पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान कैलाश एवं समयलाल आगे चल रहे थे, उन पर ही बाघ ने पहले हमला बोला। उनके पीछे आ रहे राय सिंह ने दोनों साथियों को बाघ के चंगुल में देख कर टांगी लेकर बाघ से भिड़ गया। अचानक राय सिंह द्वारा हमला किए जाने से बाघ सहम गया और राय सिंह को जबड़े से दबा लिया। इस दौरान मौका पाकर कैलाश व समयलाल ने टांगी से बाघ पर हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक तीनों युवक बाघ से जूझते रहे। बाघ ने तीनों पर इस कदर हमला किया था कि उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो युवकों को गंभीर हालत में सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर ओड़गी ब्लॉक के कालामांजन गांव से लगे स्कूलों में बीईओ के निर्देश के बाद छुट्टी कर दी गई है। वहीं क्षेत्र में बाघ के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ये कंफर्म कर रहे हैं, एक की डेथ हो गई है, दो घायल हैं, उसमें एक स्टेबल है अभी जो यहाँ पे पेशेंट रखा हुआ, एक अभी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रिफर किया गया, थोड़ा सीरियस है। तो फॉरेस्ट की टीम भी वहाँ पहुँच गई है, अभी ट्रेस कर रहे हैं बाघ को। अभी मेला स्थल से चूंकि घटना स्थल पास है, तो थोड़ा वहाँ पर हम लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, और चूंकि थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, बाघ को अगर चोट आई होगी तो थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, तो अभी इसलिए सीसीएफ वाइल्ड लाइफ को बोल के उनकी टीम भी आ रही है।